अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। आज खाना वगैरह खाने के बाद हमने सोचा कि बाहर निकलते हैं, कराची शहर को देखते हैं। ऐसा लग रहा है रिबा कि हम जो है किसी कनाडा के पिंड से आए हैं और लाइटें देखने के लिए निकले हैं। क्या आज हमारा क्या प्रोग्राम है? आज हमने सोचा कि खाने के बाद जो है वो क्यों ना गोला गंडा गोलगप्पे खाने के लिए कराची में निकले। तो यहाँ की बड़ी मशहूर फूड स्ट्रीट है दोरा जी में, जहाँ पे बड़े ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो सोचा मैंने आज आपको वहाँ लेकर जाएं। चले जी, अब हम वहाँ पर निकले हुए हैं और पूरी फैमिली साथ जा रहे हैं और देखते हैं कि भाई क्या होता है, कौन सी दुकान पर रुकते हैं। काफ़ी सारी शॉप्स हैं, बड़ी खूबसूरत शॉप्स, और हर कोई हमें कह रहा है कि भाई जी हमारी शॉप पर आ जाए, हमारी तरफ आ जाए। तो देखते हैं कि आमिर मामू कौन सी शॉप पर रुकते हैं और कौन उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है ना। जी जी जी। अच्छा जी, काफ़ी अच्छी शॉप्स यहाँ से गुजर रही हैं और मेरा ख्याल है कि आमिर मामू का मूड बन गया। ये है दिल पसंद, क्या है, दिल पसंद गोला। जी, दिल पसंद गोला, वाह भाई वाह, बड़ी चमकती दमकती सी दुकान लग रही है। और मेरे ख्याल में आमिर मामू अक्सर बेशतर यहाँ आते रहते हैं और तभी वो हमें यहाँ लेकर आए हैं। और इनका जो है प्राइसेस देखो कैसी हैं। जी, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं यहाँ पे, और हमारे पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है चीज़ों की यहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट गोला हैं, गोलगप्पे हैं। चले भाई, वेरी गुड। तो हमने अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो गोलगप्पे चूज़ कर लिए और देखते हैं कि गोलगप्पे जल्दी से तैयार होके आ जाते हैं, तो उसके बाद हम जो है वो गोला गंडे की तरफ भी तवज्जो देंगे कि हम कौन से वाले गोले गंडे को जो है वो नोश फरमाएं। अच्छा, ये मैंने देखा कि गोल गप्पे जो हैं ये काफ़ी डिफरेंट साइज़ के हैं, और कुछ गोल गप्पे तो जो थे वो इतने बड़े बड़े गोल गप्पे थे, पता नहीं इन्होंने ये जो सर्व करते हैं कि नहीं करते हैं या सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं। तो क्या ख्याल है कि ये सर्व भी करते हैं? वैसे मैंने देखा नहीं कभी यहाँ कराची में इस तरह से बड़े बड़े गोल गप्पे से। और खैर, हमारी प्लेटें भी तैयार होकर आ गई और बड़ी मज़ेदार, कैसी थी? बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े से हम सब ने खाई। आपने लास्ट टाइम कब खाए थे गोल गप्पे? मैंने कनाडा में तो खाए हैं, लेकिन कराची में आई डोंट नो के कितने साल पहले, मे बी 20 years बिफोर। आपको डिफरेंट लगा यहाँ का और वहाँ का? हाँ, अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत साफ सुथरे बनाए हुए थे और बहुत तमीज़ और तरीके से उन्होंने सर्व किए। टिश्यू पेपर्स वगैरह उन्होंने हमें साथ में दिए और उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, ये जो दिल पसंद गोला वालों की, और बड़े साफ सुथरा इंतज़ाम, बड़े अच्छे तरीके से साफ सुथरे बना के उन्होंने हमें दिए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इनका टेस्ट भी बहुत टेस्ट अच्छा भी है। बहुत अच्छा था, नहीं वाकई उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो दी थी चीज़ें बहुत उन्होंने टेस्टी बनाई थी। उसके बाद जो है हमने ऑर्डर कर दिया ये गोला गंडा का, और गोला गंडे का तो मुझे बड़ा डर सा था कि पता नहीं किस किस्म के जो किस तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करते हैं। और डॉक्टर अरीबा जी आपकी तरफ से भी मैंने कहा कि भाई आप अप्रूव कर रही हैं इनको कि क्या नहीं करती हैं, तो आपने भी देखा था कि जब वो गोला गंडा बना रहे थे कितने साफ सुथरे तरीके से उन्होंने गोला गंडा बनाया है। तो देखते हैं वो किस तरह से बना रहे हैं गोला गंडा। जी, देखते हैं। Oh.
वहाँ पे जबरदस्त बड़े अच्छे कलर हैं इसमें. कौन कौन सा रेड कलर डाला? येलो एंड ग्रीन. हाँ जी, अब ग्रीन कलर डाल रहे हैं. हाँ हाँ. अच्छा, ये थोड़े थोड़े नहीं लग रहे एक एक प्याले में? ये थोड़ा थोड़ा सा लग रहा. अभी ओ, 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 ओके, वो और भरने लगे माशाल्लाह जी. एक कप के दो कप बन गए जी. ये तो बहुत अच्छा हो गया. ये इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, वरना और जगहों पे इतनी अच्छी क्वांटिटी नहीं मिलती आपको. अच्छा, तुम लोग तो यहाँ पे रहते हो और गोलगंडे को एंजॉय करते रहते हो, तो क्या यहाँ पे इतनी क्वांटिटी नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, मतलब इनके प्राइस के हिसाब से इन्होंने बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा गोलगंडा दिया है. अच्छा अच्छा, वही तो मैं देख रही. मैंने कहा कि एक मरतबा उन्होंने डाल दी है जो आइस को क्रश करके, और उसके ऊपर कलर्स उन्होंने, फूड कलर जो थे उसके सिरप डाले हैं, और फिर डालने के बाद उन्होंने उसको दोबारा और मज़ीद भरा है. ठीक है, तो दैट्स वंडरफुल भाई, बड़ी अच्छी बात है. अच्छा, उन्होंने साथ में भी देते ना, गिर ना जाए. जबरदस्त भाई, जबरदस्त. अच्छा, ये जो ये व्हाइट कलर का क्या है? ये कुमेल है, कंडेंस्ड मिल्क. अच्छा अच्छा, कंडेंस्ड मिल्क है, वो उसको डाल रहे हैं, उसको टेस्ट जो है एनहांस करने के लिए. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लग रहा है. इन्होंने तकरीबन दो दो मरतबा जो है वो जो बॉल्स को भरा है, और टू टाइम्स इन्होंने जो कलर, जो फूड कलर था उसका सिरप भी डाला है, और कंडेंस्ड मिल्क जो है उसको भी ऊपर से डाला है. वेरी गुड, वेरी नाइस. लुक एट दिस अगेन, वेरी कलरफुल प्रेजेंटेशन उसकी, क्योंकि जो अंदर रह गया था वो कलर नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन वो इसलिए था कि वो नीचे की जितनी भी आइस थी उसको फ्लेवर दे सके. और अब ऊपर से उन्होंने कितना ज़बरदस्त, जिसको हम वैसे कहते हैं रियली के गोला गंडा, एस्थेटिकली प्लीजिंग है बहुत ज़्यादा. एग्जैक्टली, लग रहा है ना वो बहुत सारे कलर हो जाते हैं तो हम लोग कहते ना कि गोला गंडा बन गया, तो अब वाकई में इन्होंने पूरा का पूरा गोला गंडा बना दिया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा जी, अब गोले गंडे जो हैं वो हमारी टेबल पर आ चुके हैं और हम इनको एंजॉय करेंगे. हाँ, उसको तो दिखाओ जरा, एक स्टिक वाला. स्टिक वाला भी कितना प्यारा सा लग रहा है. वाह, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है स्टिक वाला. वो उधर ही रहने दो, उधर ही रहने दो, तो जमाया हुआ ना उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत. एक मिनट, एक मिनट. डॉक्टर अरीबा, ये सेहत के लिए सही है ना? जी, है कुछ मसला तो नहीं है ना गोले गंडे में? नहीं नहीं है. अच्छा सही है, डॉक्टर अरीबा की तरफ से भी अप्रूव्ड है. एक तो कराची का मौसम इतना शदीद गर्म हो रहा है, और वाकई में दिल चाह रहा था कि कुछ ठंडी ठंडी सी चीज़ खाई जाए. आइसक्रीम तो खाते ही रहते हैं, घर में आ जाती है चले जाते हैं, तो ये एक आज बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ हो गई. और यहाँ पे धोरा जी में हम आए हैं गोला गंडा खाने के लिए. यहाँ आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी ऑल ऑफ दीज लाइट्स एंड फूड स्ट्रीट्स, क्योंकि यहाँ पे इतनी रौनकें लगी हुई थी. मुझे इतना डर लग रहा होता था कि पता नहीं ये कराची की रौनकें अब रही हैं कि नहीं रही हैं, लेकिन मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि सारी रौनकें वैसे ही हैं, लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं. इस वक्त तकरीबन जो टाइम है ना वो 11:30 बजे का टाइम है, और माशाल्लाह फूड स्ट्रीट्स की रौनकें उसी तरह से बहाल हैं. सब कुछ तो रात के 1 बजे भी अगर आप आएंगे तो भी आपको ऐसी ही कराची की पूरी स्ट्रीट्स और कराची की सड़कें ऐसी ही रौनकों वाली मिलेंगी. लोगों को डराया बहुत जाता है यूजुअली कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. हम सब लोग यहाँ पे रहते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और कराची अभी भी वैसा ही है जैसा कुछ अर्से पहले था. दैट्स वंडरफुल. मैं ये देख रही हूँ कि माशाल्लाह से
जो शादी हॉल हैं वो भी आबाद हैं। वो तो ज़ाहिर है कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि शादियां हो रही हैं और जो हॉल हैं वो बसे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ फूड स्ट्रीट्स एंड बाकी के जो रौनकें हैं, रोड्स पर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब कुछ देखकर भी बेइंतहा खुशी हो रही है मुझे। कराची तो भाई हमारा कराची है। लुक एट दिस, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है रोशनियों का शहर कराची, माशाल्लाह। मैंने जो नोट किया है वो ये है कि माशाल्लाह से हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, हर कोई पुरखलूस है। चाहे मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और वहाँ पे गोला गंडे जो है दिल पसंद गोला वहाँ पे वीडियो बनाई और दे वर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे लोग हैं। पूरा शहर हमारा इतनी मेहनत कर रहा है और हर कोई पुरखलूस है, बस थोड़ी सी ऊपर की तरफ से भी मेहरबानियाँ हो जाएं तो हमारा मुल्क पाकिस्तान तो माशाल्लाह वाह वाह वाह। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत सुकून मिला अपने शहर कराची में आके और इसकी रौनकें देख के। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत हंसता बसता आबाद रखे, इसमें बहुत तरक्कियाँ हों। और हम सब का दिल चाहता है, हम जो बाहर मुल्कों में रहते हैं हम अपने मुल्क के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या हालात हैं और कैसे हालात हैं। तो ये सब देख कर बहुत खुशी हुई। अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।